दोस्तों, आज है डे 3। तो अभी हम जा रहे हैं आज गोथेनबर्ग फ्रॉम स्टॉकहोम, और अभी कितना सुबह के 6 बज गए हैं और अच्छा खासा दिन निकल गया है। हमने अर्ली ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने थोड़ा टेक अवे में हमें ब्रेकफास्ट रेडी करके दिया है। यहाँ से हमारी अभी हम पहले स्टॉकहोम एयरपोर्ट जाएंगे, जो ऑलमोस्ट 40-50 मिनट्स लगेगा हमें, और 8:30 बजे की हमारी फ़्लाइट है वहाँ से, और 1 घंटा लगने वाला है गोथेनबर्ग तक। बस चलते हैं, अभी मज़ा आ रहा है। वैसे ले लिया ब्रेकफास्ट, क्या क्या लिया इसमें? हाँ, बेकन, जूस, योगर्ट, एप्पल भी है, एप्पल एंड जूस एंड योगर्ट, ग्रीक योगर्ट, नेस्टा। ठीक है, हम जा रहे हैं गोथेनबर्ग, जहाँ से बारिश होने वाली है आज पूरे दिन 100%। बट हम बनेंगे टू ट्रैवलर्स और पूरा शहर को जबरदस्ती घूमेंगे। बिल्कुल, चलो ब्रेकफास्ट डेट चल रही है ट्रेन में, और कुछ ऐसा कंपार्टमेंट है पीछे, उधर रिसेप्शन डेस्क टाइप है, और इधर लैंप्स लगे हैं और बाहर विंडो। देखो 187 की स्पीड है अभी, इसकी स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं हिल रहा है। तो अभी हम आ गए स्टॉकहोम एयरपोर्ट पर, और सिक्योरिटी भी हो गई हमारी। अब हम बस बैठे वेट कर रहे हैं, फ्लाइट हमारे सामने खड़ी है, बस वो खाली हो रही है अभी, तो उसके बाद हम भरेंगे। तो कैसा रहा मैडम आपका ये स्टॉकहोम का एक्सपीरियंस? स्टॉकहोम इज़ ब्यूटीफुल, लाइक मैंने कभी पर्सनली कभी नहीं सोचा था कि स्टॉकहोम चलते हैं, स्टॉकहोम देखते हैं, बट स्टॉकहोम इज़ लाइक अमेजिंग, बहुत सुंदर है। मैंने बहुत सुना था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में, ये मेरा पहला स्कैंडिनेवियन कंट्री है, लाइक आई विल स्टॉप फर्स्ट मंथ, एंड बहुत अमेजिंग है, बहुत रिच, तो सुना था वो तो है ही बहुत रिच, लेकिन वो रिचनेस आई थिंक इज़ इक्वली डिवाइडेड अमंगस्ट पीपल ऑफ योर, बहुत ही क्लियरली विजिबल है। बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो बहुत ईजी, बहुत एक्सेसिबल, लैंग्वेज की कोई इशू नहीं है, लाइक स्कैंडिनेविश लैंग्वेज होती है, स्विडिश लैंग्वेज होती है, बट एवरी वन नोज इंग्लिश, हर जगह सब कुछ ट्रांसलेटेड है इंग्लिश में, ट्यूब में सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, सब बात करने के लिए बहुत हेल्पफुल है, एंड एवरीवन नोज इंग्लिश, बहुत ईजी है सब कुछ एक्सेस करना। और पेमेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि हमारे पास मोन्जो कार्ड था, तो कॉन्टेक्टलेस आप हर जगह पे कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप बस क्या, जैसे अगर आप लंदन में रह रहे हो या यूके में कहीं भी रह रहे हो, तो कॉन्टेक्टलेस पे करते आ रहे होंगे, तो यहाँ पर भी आपने वैसे सेम करना है, अपना मोन्जो कार्ड आप यूज़ करो, क्योंकि ट्रांजेक्शन चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लगेगा जैसे बाकी बैंक चार्ज करते हैं, लाइक HSBC, बार्कलेस और लॉयड्स बैंक, ये जहाँ तक मुझे पता है ये सारे बैंक चार्ज करते हैं। तो मोन्जो कार्ड ले लो और पूरी यूरोप में आपको अच्छा रहेगा, मतलब कॉन्टेक्टलेस और विदाउट ट्रांजेक्शन। स्टार्लिंग, रेवोल्यूट, हाँ, इस टाइप के जो बैंक है बेसिकली वो चार्ज ही करते हैं कुछ भी एक्स्ट्रा। ट्यूब में यू कैन यूज योर कार्ड, बस कार्ड टैप करो, जैसे हम ट्यूब में लंदन यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, और बहुत ईजी, और बहुत मुझे तो बहुत चीप लगा कंपेयर टू लंदन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, नॉट एवरीथिंग, कुछ चीज़ें सिमिलर है, प्राइस है वो ऑलमोस्ट, मतलब लंदन वालों के लिए सिमिलर है, ज़्यादा अलग नहीं है। तो ठीक है, अभी हम बोर्ड करते हैं और आपको मिलते हैं फिर गोथेनबर्ग में। One faster. Yeah. Just hard to find.
सो द गोथेनबर्ग इज़ द सिटी ऑफ वोल्वो, तभी इनकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं एयरपोर्ट पे, एक इधर लगी है और एक आगे भी लगी हुई थी जब हमने मतलब एग्जिट किया था हमने। अभी हम बाहर निकल रहे हैं यहाँ से, फिर बस लेके गोथेनबर्ग सिटी जाएंगे। ये हमने बस की रिटर्न टिकट ली है तीनों की, और ऐसी कुछ बस रहेगी हमारी जो हमें बिल्कुल सेंटर में लेके जाएगी। कौन सी? विंडो सीट। विंडो सीट मैं भी, ठीक है। और मैं ड्राइवर सीट। सन सन देखो, सन आ गया ऊपर हमारे लिए। किसका? हमारा। बस तैयार? धक्का मुक्की ना करे। एक ही टिकट लिया ना, गोथेनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, नहीं हवाई अड्डे नहीं, बस अड्डे पर। तो यहाँ से हम बाहर चलते हैं, तो देखते हैं, हमारे पास 5-6 घंटे हैं अभी, यहाँ घूमते हैं, लोकल एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पर सामने एक मॉल देख सकता हूँ मैं, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ ठूस लेते हैं, फिर एक्सप्लोर करेंगे। और शाम को ही हमारी फ्लाइट है लंदन की, तो घूम के टाइम से निकलेंगे वापस। तो यहाँ पर ये ट्रैम्स के ट्रैक भी आप देख सकते हो, ट्रैम्स चलती हैं यहाँ पर, और उसी सेम ट्रैक पे बसेस भी चलती हैं जब ट्रैम्स नहीं होती हैं। ये सामने ये काइंड ऑफ मॉल है जिसमें हम अभी जा रहे हैं। और ये ऐसे आवाज़ करता है जब ग्रीन लाइट होती है, तो आप क्रॉस कर सकते हैं। बर्गर से लिया है 2 चिकन बर्गर विद हैलापेनो फ्राइज एंड कोक। यहाँ का लोकल फास्ट फूड चेन है तो बता दो, मैक्स क्यों लिया? मैक्स क्या है बताइए आप। यहाँ का लोकल फास्ट फूड चेन है लाइक मैकडी, तो हमने इसे ट्राई किया आज। मैक्स मैकडी का ब्रेकफास्ट ना खाते हुए हमने खाया चिकन बर्गर ब्रेकफास्ट में। एंजॉय। ये है गोथेनबर्ग यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी लग रही देखने में, और आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। वो अलग बात है, बारिश आ रही तो हमें कवर होकर चलना पड़ रहा है, लेकिन व्यू अच्छा है ये बीच में वॉकिंग के लिए और साइकिलिंग के लिए। चाहे स्टॉकहोम हो या फिर गोथेनबर्ग, इंडियन खाना तो मिल ही जाता है, और या तो हमें न्यू दिल्ली
इंडियन रेस्टोरेंट की क्या जाते पाजी भी दिख गए अंदर जाते हुए हमें ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते हम इधर आए हैं। अभी ये लोकल मार्केट टाइप लग रहा है हमें, इतना आर्टिफिशियल सा लग रहा है। यहाँ दीवार पर इन्होंने इतने बड़े बड़े सिनेमन बन लगाए बने लगा सर। चलो अब थोड़ी ट्रैकिंग कर लेते हैं, ऊपर चलते हैं। होपफुली एक अच्छा व्यू मिलने वाला है हमें ऊपर से। पूरा राउंड में व्यू ले सकते हैं। और ये कुछ ऊपर जाने का रास्ता भी यहाँ पर, यहाँ से पूरी सिटी का व्यू आ रहा है। वाह, देखो कितना सुंदर लग रहा है। मेरे को ये बालकनीज बहुत पसंद है, ये स्पेशली मैंने यूरोप में ज़्यादा देखी है। मतलब रील्स वगैरह में पहली बार लाइव ऐसे देख रहा हूँ, ये बहुत अच्छी लगती है। और ये सामने डिज्नी कासल, जो मतलब डिज्नी कासल की तरह लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। पास से कुछ ऐसा लग रहा है। अभी हम वहाँ पर थे, सामने जो आप देख रहे हो ना, वहाँ पर थे हम अभी सामने। और अभी वहाँ से नीचे उतर के आए हैं।
दोनों पैर भी उठा रहा हूँ ना, तो भी नीचे जा रहा हूँ, तो भी नीचे जा रहा हूँ, मेरे वेट का कोई फायदा नहीं हो रहा। नीचे लगा के बैठा हूँ ऐसे। ओह माय गॉड, ये देखो मैं चिल कर ऊपर ही है। अभी हम वहाँ से आ रही थे, ट्रैक से आए यहाँ पर, और यहाँ हम सुबह भी थे और सुबह मेरे को लगा नहीं था कि इतने लोग पूरे सिटी में भी हो सकते हैं, और अभी आप देख सकते हो पूरी परेड हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। मेरे को पता नहीं चल रहा था क्या रीज़न है इनका, क्या मोटिव है, लेकिन काफ़ी भीड़ है। और ट्रैम के एक्सपीरियंस की बात करें तो वो भी अच्छा रहा, हम कितना 10-15 मिनट में यहाँ पर आ गए। अभी वापस हम बस स्टेशन जो सेंट्रल वाला था जहाँ हम सुबह उतरे थे वहीं पर जाएंगे, और वहाँ से ट्यूब लेंगे जिससे हम डायरेक्ट बस लेंगे, वहाँ से सीधा हम एयरपोर्ट जाएंगे। सारी मतलब 2 घंटे मैंने घूमा, और उसके बाद मैंने एक ये डेविडॉफ का वो लिया है परफ्यूम, ये ले रहा हूँ बस, और इसकी बिलिंग करा के आगे बढ़ रहा हूँ। टोनी कक्कर वाला ये चश्मा नहीं ले रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हम चेक इन और इमिग्रेशन करके बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं, और ओवरऑल एक्सपीरियंस गोथेनबर्ग का अच्छा रहा एज़ कम्पेयर टू स्टॉकहोम। थोड़ा सा कमर्शलाइज्ड है लेकिन हमने इन्जॉय किया। सुबह सनी नहीं था लेकिन बारिश भी नहीं थी, तो हमने आसपास एक्सप्लोर किया वॉक करके, और तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। बाद में बारिश आने लगी, तब तक हम मतलब हमारा आने का टाइम हो गया था एयरपोर्ट। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी सही है। लो यहाँ पर एक पोर्ट भी है जो हमने देखा, जहाँ से इंटरनेशनल शिप्स आते हैं, जैसे लोग डेनमार्क वगैरह से इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं, तो वो भी अच्छा था। और मेरे को लगता है कि गोथेनबर्ग है ना यार, एक दिन इनफ है यहाँ के लिए, मैक्सिमम 2 दिन, एक दिन में तुम ट्रैवल कर सकते हो और मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके बाद स्टॉकहोम मिनिमम 2 डेज। तो मैं ये कहूँगा, मैं दोबारा देखता हूँ, अगर कभी आना हुआ तो वीज़ा लगने के ऊपर बात है। चलो यार चलते हैं, अभी बोर्डिंग कर लेते हैं पहले और फिर निकलते हैं वापस घर की ओर।
वेलकम टू यूके, इमिग्रेशन करा लो। तो यार अभी हम आ गए हैं लंदन स्टैंस्टेड एयरपोर्ट पर। ये थोड़ा सा लंदन से बाहर है, तो अभी हम लेने वाले हैं नेशनल रेल, उसके बाद अंडरग्राउंड। तो एक से डेढ़ घंटा लगने वाला है घर पहुंचने में, तो ऑलमोस्ट शायद 12 बज सकते हैं क्योंकि 9:40 ऑलरेडी हो चुका है। ओवरऑल ट्रिप की बात करें अगर तो बहुत सुपर रहा है। ये मेरा फर्स्ट यूरोप ट्रिप था, पासपोर्ट पे स्टैंप लग गया, तो इट वाज गुड। चलो अभी घर चलते हैं और फिर वीडियो को उधर ही ख़त्म करेंगे। तो अभी मैं आ गया हूँ लिवरपूल स्ट्रीट पर, और क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लंदन स्टैंस्टेड एयरपोर्ट पे उतरा था, ये थोड़ा सा लंदन से काफ़ी बाहर पड़ता है, तो नेशनल रेल लेनी पड़ी। और टिकट मैंने देखा तो वो 22 पाउंड ईच दिखा रहा था, क्योंकि मेरे पास रेल कार्ड था और ट्रेन लाइन ऐप से मैंने डायरेक्टली बुक कर दिया था तभी, तो मेरे को थोड़ा सस्ते में पड़ा। लेकिन मैं कहूँगा अगर आप सेंट्रल लंदन के आसपास हो ना, तो प्रेफर करो कि आप हीथ्रो या गैटविक एयरपोर्ट पे ही आना जाना करो, वो ज़्यादा अच्छा कनेक्टिविटी और मेरे ख्याल से चीपर पड़ेगा आपको। रही बात एक्सपीरियंस की, तो यूरोप का एक्सपीरियंस बहुत सुपर रहा मेरे लिए, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही रहा। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप कब बनता है और उसके लिए वीज़ा कब लगता है, ये बड़ी देखने वाली बात है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको अब तक ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं अगर आपको अपना कुछ शेयर करना एक्सपीरियंस, और सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे और वीडियोज़ आएंगी, आती रहेंगी। तो मिलते रहेंगे, चलते हैं फिर, टेक केयर।